Hello everyone, the next topic in operating system tutorial is Dynning Philosopher's Problem. This is the third problem of classical problem of synchronization. So isme kya hai, ek round table hai, dining table hai, wahan pe center mein rice bowl pada hua hai, theek hai, and ye p1 p2 p3 p4 p5 teen alag alag persons hai, theek hai. Ab inke left aur right mein forks pade hue hain, ek fork, dusra fork. यहाँ पे इसके लिए भी लेफ्ट राइट और ये इस तरह से फोक पड़े हैं, ठीक है. अब ये जो पर्सन्स है ना, ये दो मोड्स में काम करते हैं, या तो ये सोचते हैं या फिर ये खाते हैं, ठीक है. आइदर थिंकिंग और ईटिंग, ये दो ही काम करते हैं ये पर्सन्स जो बैठे हुए हैं राउंड टेबल पे, ठीक है. अब अगर ये सोच रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोचते रहो, कुछ नहीं है. ईटिंग, वेन दे वॉन्ट टू ईट, वेन दे आर हंग्री, तो हर एक पर्सन को दो फोक चाहिए. ये फोक्स हैं पिंक से जो मैंने डिनोट किए हैं, ये फोक्स हैं. तो हर पर्सन को फोक्स चाहिए और ये क्या करते हैं, पहले अपना लेफ्ट फोक उठाते हैं, देन अपना राइट फोक उठाते हैं एंड देन राइस खाते हैं, ठीक है. अब अगर सबको एक साथ भूख लग जाए तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? मान लो P1 ने लेफ्ट और राइट उठाया, ठीक है, तो P1 तो खा पा रहा है, अब सबको खाना है, ठीक है, तो P1 तो खा पाएगा, लेकिन जो P5 है उसको भी तो लेफ्ट राइट उठाना है ना. तो अगर मान लो P1 ने लेफ्ट और राइट उठा लिया तो P5 वेट करता रहेगा, ठीक है. इसी तरह से अगर मान लो P1 ने अपना लेफ्ट उठाया, अभी वो राइट उठाने ही वाला था कि P2 ने भी अपना लेफ्ट उठा लिया, तो P1 भी वेट कर रहा है, तो सब एक साथ तो खा ही नहीं पाएंगे, ठीक है. इस प्रॉब्लम को बोलते हैं डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम, क्लियर. तो हम इसको रिलेट करते हैं अगर कंप्यूटर से, तो ये हमारा शेयर्ड रिसोर्स है और P1, P2, P3, P4 हमारे प्रोसेसेस हैं, एंड ये सारे प्रोसेसेस एक साथ शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस, शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकते. तो दिस इज़ अ डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम, कि सबको एक साथ भूख लगेगी तो सब एक साथ नहीं खा पाएंगे अगर इनको दोनों स्पून्स यूज़ करने हैं तो, क्लियर है. तो सॉल्यूशन क्या है, मैक्स टू पर्सन्स कैन ईट एट द सेम टाइम, पर्सन्स कैन ईट एट द सेम टाइम, क्लियर. मतलब P1 अगर ये दोनों चॉपस्टिक्स ये दोनों स्पून्स उठा रहा है तो P3 भी ये दोनों कर सकता है, इस तरह से दे कैन ईट, या फिर P2 और P4, P2 उठा रहा है और P4 उठा रहा है, तो यही हम कर सकते हैं. अदरवाइज एवरी एट द सेम टाइम everyone can't eat. So this is a dining philosopher's problem. So I hope this is clear now. Thanks for watching my video and please subscribe my channel. Thank you so much.